हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं दया टेक हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किसी भी सरकारी विभाग में कंप्लेन कैसे करेंगे। इसके लिए आपको गूगल के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है pgportal.government.in। आपको ये टाइप करके इसके ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आएगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपको सबसे पहले साइनअप करना होगा। साइनअप करने के लिए नीचे की तरफ देखें, सेलेक्ट करके वहाँ पे देखिए क्लिक है टू साइन अप है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए साइन अप करते हैं। साइन अप करना बहुत ही आसान है, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो साइन अप पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें आपको अपना ये डिटेल्स डालना है। डिटेल्स में हो गया आपका नाम डालना है, जेंडर डालना है, फुल एड्रेस डालना है, कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर चलिए आपको पहले मेल पे ले चलता हूँ। ये देखिए मेरा मेल बॉक्स ओपन हो गया, जिसपे आपको पीजी पोर्टल तरफ से एक मैसेज आया हुआ है। उसको क्लिक करने के बाद देखिए नीचे वेरिफिकेशन लिंक है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दोबारा पीजी पोर्टल वाले साइट पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई करना है। जैसे ओटीपी कोड डाल के सिक्योरिटी कोड डाल जैसे सिक्योरिटी कोड डालेंगे सबमिट करेंगे तो ये आपका वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको करना है यूजर नेम आपको डालना है, पासवर्ड बनाना है, सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट करना है। सबमिट होते ही कुछ इस तरह से पेज हो आएगा, पॉपअप होगा, जिसमें लिखा होगा आपका यूजर आईडी और पासवर्ड बन चुका है, आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। उसके बाद आपको फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड सिक्योरिटी कोड डाल के आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करते हैं, कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्लाइड करके नीचे की तरफ स्लाइड करिए और देखिए नीचे लिखा हुआ है पब्लिक ग्रेवेंस। अगर आपको कोई शिकायत करना है तो फर्स्ट वाला पब्लिक ग्रेवेंस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, जिस पे आपको लिखा हुआ है कि आप यहाँ पढ़ ले, जिसमें लिखा हुआ है कि आप इस चीज़ में आप कंप्लेन नहीं कर सकते। आप पढ़ के उसके बाद बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट करना है। सबमिट करते ही कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल डालना है, नाम, जेंडर, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर डाल के। उसके बाद अगर आप एक सर्विस में हैं तो यस नो कर ले। उसके नीचे की तरफ देखे सेलेक्ट करके आप किसके ऊपर शिकायत करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट शिकायत करिए, जिसमें भी करना चाहते हैं उसको टिक कर लगा ले। उसके बाद नीचे आते हैं डिपार्टमेंट। जैसे मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जिसके ऊपर भी आप शिकायत करना चाहते हैं, उसके बाद आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। जैसे झारखंड से हूँ मैं, तो झारखंड गवर्नमेंट ऑफ झारखंड सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैसेज टाइप करना है, रेफरेंस नंबर डालना है, डेट डालना है अगर आप चाहते हैं तब, या छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके कोई भी आप फाइल को अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अपना कोई भी फाइल सेलेक्ट करके अटैच कर दें। अटैच करने के बाद नीचे देखें सिक्योरिटी कोड, सिक्योरिटी कोड डाल के आपको सबमिट करना है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, जिसे आप कभी भी ट्रैक कर सकते हैं।